हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जी हाँ गाइस, आज है हमारे फैमिली में बहुत स्पेशल डे, भैया और भाभी की वेडिंग एनिवर्सरी। तो हम लोग सुबह से लेकर शाम तक कैसे क्या कब करते हैं वो सब आपको इस ब्लॉग में दिखाएंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखिए और बताइएगा कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा। आई होप अच्छा लगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ और फुल एंजॉय कीजिए। हैप्पी एनिवर्सरी। धन्यवाद। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 18 मई और आज है भाभी जी की एनिवर्सरी। तो आज सुंदर सुंदर लग रही है मेरी भाभी जी। तो हम लोग जा रहे हैं सबसे पहले सुबह सुबह मॉर्निंग में भगवान जी का दर्शन करने। उसके बाद जो सुबह सुबह से रूटीन होगा सब आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं सबसे भैया देवरानी, देखो मैं सतर पल्लू भी नहीं हूँ। अभी बाहर रहूँगी तो घूंघट में रहूँगी। चल बने रहो मेरे साथ, फिर मिलते हैं आपको मंदिर में। जहाँ जहाँ जाएंगे सब जगह मिलेंगे। फिर बताते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है, हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। ओके गाइस, तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। अब हम लोग को थोड़ी जल्दी भी है, हम फटाफट से निकलते हैं मंदिर के लिए। अंधेरा बहुत है क्योंकि सीढ़ी पे लाइट नहीं जल रही है और इस समय बज रहा है लगभग 4 है ना, 4 बज रहा है। ये बुतलिया पकड़िए, तुम भी सर पे पल्लू रख लो। हे गाइस, संकट मोचन में तुलसी का माला चढ़ाना बहुत अच्छा होता है, सब लोग चढ़ाते हैं। चलिए ले लीजिए तुलसी का माला। बे तुलसी का माला कैसे है? 2 दे दीजिए, 2 जगह 20 रुपये पे निकाल लीजिए। अरे नहीं, सही गाइस, आरती का समय है। देख लीजिए कितनी भीड़ है आरती में। यहाँ पे भोर में 4 बजे इतनी भीड़ लग चुकी है, इतने लाइन लग चुके हैं और हम लोग भी लाइन में लगने जा रहे हैं। अब मोबाइल होगा यहाँ पे जमा, तो हम लोग चलते हैं मोबाइल को करेंगे जमा, उसके बाद फिर जाते हैं मंदिर में। यहाँ मंदिर में मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है। तो कुछ अपने शुभ मुख से कुछ कहना चाहेंगे इस भीड़ को देखते हुए? आइए सब लोग दर्शन करिए हनुमान जी का। हम लोग भोर में 4 बजे आए थे और इस समय कितना बज रहा है देखना पड़ेगा हमको। लग रहा है 5 तो बज गया होगा। देखिए उजाला भी हो गया है, गर्मी के दिनों की यही खासियत है, उजाला जल्दी होता है। भीड़ देख लीजिए आप, पता ही नहीं चलेगा कि भोर का भीड़ है ये। और आज ये दिन भर ऐसी भीड़ रहेगी। शनिवार को बजरंगबली में ताकत ज़्यादा होती है। ठीक है गाइस, अब हम लोग पहुंच गए हैं दुर्गा जी के मंदिर, आदिशक्ति दुर्गा भवानी का। ये बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे भी आरती का समय था, आरती हो चुका था, फिर हम लोग पहुँचे वहाँ पे, आरती वारती लिए, प्रसाद वगैरह लिए। फिर उसके बाद हम लोगों ने खूब अच्छे से दर्शन किया माता रानी का। आपको भी दर्शन कराएंगे क्योंकि नवरात्रि के समय भीड़ होती है तो अच्छे से दर्शन नहीं हो पाता, लेकिन इस टाइम पर दर्शन बहुत अच्छे से हो जाता है। पंडित जी लोग भी उतना मना नहीं करते कि आप कैमरे से, वैसे तो यह मना है कि कैमरे से फ़ोटो नहीं क्लिक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप करेंगे तो पंडित जी लोग उतना मना भी नहीं करते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ बहुत इसमें आश्चर्यजनक दिखाई देगी जो कि आपको आगे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। देखिएगा कि माता रानी का मुखौटा कभी भी नज़र नहीं आता किसी भी कैमरे के कैप्चर में। सिर्फ वहाँ ऐसा फील होता है कि एक अजीब अलग सी रोशनी चमक रही है, जैसा कि मैंने फील किया। आप लोग भी ब्लॉग में देखिएगा, आप लोगों को भी ये फीलिंग्स होगी कि वहाँ पर जो है मतलब अजीब सी एक रोशनी सिर्फ दिखेगी। माँ नहीं दिखती हैं, वो रोशनी दिखती है, जीवंत रोशनी। जो फील होता है ना कि मतलब भगवान हमारे परमात्मा जो है वो रोशनी के रूप में स्थापित हैं, तो जी हाँ ये बहुत बड़ी सच्चाई है। हमारे भगवान एक रोशनी के रूप में ही प्रतिस्थापित हैं हर जगह पे, और ये यहाँ माता रानी के दर्शन के समय हमको समझ में आता है। और वो आप भी देखिएगा, आपको भी पक्का समझ में आएगा। Thank you.
नवरात्रि में आएंगे तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी कुछ भी मौका नहीं मिलेगा। अभी हम लोग आराम से आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, क्या 5 मिनट माँ के दरबार में बैठने में भी एक अलग ही सुकून मिलता है। चलिए बैठते हैं कुछ देर, फिर आप लोगों से आगे मिलते हैं, कहाँ जाते हैं क्या करते हैं। जाइएगा, जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, साचे दरबार की जय। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको बाद में, और सुबह सुबह का राम राम, हर हर महादेव, राधे राधे। हम लोग जा रहे हैं अब गणेश जी के मंदिर। गणेश जी का ये भी बहुत प्राचीन मंदिर है, अभी आरती वगैरह हो रहा है, हम लोग भी आरती लेंगे। चलिए आरती लीजिए। चाय 80 घाट पे, 80 की चाय बहुत सुंदर होती, बहुत टेस्टी होती है, सुंदर नहीं होती है। बच्चे सुनेंगे सुंदर तो कहेंगे खाने पीने की चीजें टेस्टी होती है, सुंदर नहीं होती है। आप लोग भी पी लीजिए आकर 80 पर चाय। सुबह सवेरे चल रहा है, देख सकते हैं कितना खूबसूरत है लोकेशन। शादी की सालगिरह है, इसीलिए सब जगह हम खुद ही अपना मना रहे हैं, फुल मस्ती विथ मी नॉट भैया। भैया के जो है हम अपना खुद ना मना लें, औरतों को शौक होता है सब चीज का। सही बात है, आदमी कहाँ शौक, उनको तो जबरदस्ती कराना पड़ता है, इसीलिए हम अपना ही खुद सब देवी देवता दर्शन कर लिए, अपना गंगा मैया को चल रहे दर्शन करेंगे चाय पीने पहले। हर हर महादेव, हर हर गंगे, सभी को सुबह बनारस है, सुबह है बनारस। हाय करी, ओ कैसा लगा आपको मेरा गिफ्ट? बहुत अच्छा लगा, और तुमने इसका खरीदा हमें साथ क्यों नहीं ले गई? चोरी चोरी काम करती हो, चोरी छिपे गिफ्ट करना चाहिए ना, तो सिर्फ चोरी छिपे करना चाहिए ना, तुम्हें बोलो मैं क्या क्या चाहिए। थैंक यू बेटा, इतना मस्त साड़ी है यार, मेरे पसंद पसंद का साड़ियाँ दूर चलाती है मेरी जुड़िया। थैंक यू, आपको पसंद आया ना बस। धन्यवाद इसके लिए, थैंक यू बोलने के लिए, तो दही बड़ा बनाई है मेरी देवरानी, एक दिन हम कहे कि दही बड़ा बना दो तो अपना वो आज ही बना रही है, और बनाई है कढ़ाई पनीर पुलाव कचौड़ी, और पुलाव बनाई है, पुलाव है अभी कचौड़ी बनेगा, अभी कचौड़ी बना नहीं है, बनेगा जब सब खाएंगे तब। और दही बड़ा की तैयारी चल रही है जी, दही बड़ा। फिर शाम का दूसरा, कौन कौन खाता है दही बड़ा कमेंट करके जरूर बताना, कोई नहीं करेगा कमेंट, हमारे यहाँ तो दही बड़ा सबको बहुत मन से, हाथ दुखने लगेगा तो कमेंट करने में, नहीं ऐसी बात नहीं, कुछ लोग करते हैं जो अपने हैं। तो भले पसंद आए वीडियो तो देख लिए, कमेंट कहे कहे करेंगे भैया, कोई जरूरत नहीं है।
बिना इच्छा का कुछ करना नहीं चाहिए इंसान को। तो ही गाइज, इस तरह से सेलिब्रेशन स्टार्ट हुआ। सुबह से हम लोग मंदिर गए, फिर खाना पीना मैंने घर पे अच्छा सा बनाया। और मैं जब खाना पीना बना रही थी तो भैया भाभी गए थे विश्वनाथ जी दर्शन करने। विश्वनाथ जी काल भैरव उन लोगों ने दर्शन किया एक साथ में, फिर वो लोग आए। फिर घर पे ही हम लोगों ने शाम को छोटा सा सेलिब्रेशन किया, केक कटिंग वगैरह किया, जो कि आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। जो महंगा कैमरा लिया रहता है उसका ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाता है, देखते हैं। मोबाइल कैमरा अच्छा है। और इस तरह हम लोगों ने घर पे छोटा सा केक कटिंग किया और उसके बाद पूरी फैमिली रेडी वेडी होकर के निकल गए घर से खाना खाने के लिए। फिर हम लोग खाना खाने जाते हैं, कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं, क्या करते हैं, वो सब आपको देखने को मिलेगा अगले ब्लॉग में। तो बने रहिए मेरे साथ कंटिन्यूसली और देखिएगा अगले ब्लॉग में हम लोग क्या क्या मस्ती करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, सबक खैर, टेक केयर।